आरबीआई ने पेटीएम के ऑपरेशंस पर कुछ पाबंदियां लगाई है, ये न्यूज मैंने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दी थी, आपने मिस कर दी, शायद आपने वो चैनल फॉलो नहीं किया है, कर लेना। तो दोस्तों ये पाबंदियां एग्जैक्टली क्या है, कौन कैसे अफेक्ट होगा, पैनिक होने की जरूरत है नहीं, नॉट रियली, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो पूरा मुद्दा है वो पेटीएम बैंक का है, पेटीएम वॉलेट का नहीं है। तो आपके पेटीएम वॉलेट से जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन 29 फरवरी के बाद आपके पेटीएम बैंक में आप जो एग्जिस्टिंग पैसे हैं वो निकाल पाओगे, लेकिन 29 फरवरी के बाद आप उसमें नए पैसे नहीं डाल पाओगे। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम किसे होगा, जिनका ईएमआई वहां से कट रहा है। तो अगर आपका ईएमआई वहां से कटता है और उसमें इनफ पैसे है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर किसी और बैंक से उसमें पैसे डालते हैं और फिर ईएमआई कट होता है, ऐसा सिनारियो है, तो उस केस में आपको वो ईएमआई का लिंकेज बदलना पड़ेगा। दूसरे लोग जिनका यूपीआई आईडी @paytm से एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यूपीआई आप देखोगे तो 123@ybl ऐसा कुछ या फिर OKICICI, ये जो लास्ट में है @ के बाद वो होता है अपना बैंक का नाम, जो कि पेटीएम के केस में पेटीएम बैंक। तो आपके यूपीआई ट्रांजेक्शन भी हैम्पर होंगे। अगर कोई अलग ऐप आप इस्तेमाल करोगे तो आप यूपीआई का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाओगे, लेकिन यूपीआई आईडी में अगर @paytm है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा और जो बहुत बड़ी तादाद में है, अपने व्यापारी लोग जिनकी दुकान पर ये पेटीएम का बॉक्स लगा है जिस पर क्यूआर कोड है, हम उसे स्कैन करते हैं, तो ये डेफिनेटली काम नहीं करने वाले अनलेस एंड अंटिल पेटीएम खुद वो क्यूआर कोड बदल दे, जिसमें बहुत वक्त लग सकता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जब तक ये होता है आप फोन पे, भारत पे या फिर बजाज का साउंड बॉक्स ले सकते हो आपकी डेली ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग पेटीएम का फास्टैग इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे दोस्तों। उस केस में आपको डेफिनेटली पेटीएम का जो फास्टैग आपने लगवाया है उसे निकालना पड़ेगा और किसी अलग बैंक से खरीद कर वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। मेरे ख्याल से बहुत लोग होंगे जिन्होंने पेटीएम का फास्टैग लगाया था। तो दैट्स इट दोस्तों, मैं ये समराइज करना चाहता था ये सारे मुद्दे। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली हो तो फॉलो कीजिए, और हाँ व्हाट्सअप चैनल भी आपको ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।